हाँ ओके, तो अभी समझ आया तुम लोगों को कि कैसे होता है डिबेट। यस मैम, यस मैम, यस मैम, ओके। दक्ष, दक्ष तुम कौन सी क्लास में हो बेटा? फिफ्थ मैम फिफ्थ, और कशिश तुम? मैम सेवेंथ, ओके, और कौन यहाँ पे है सेवेंथ क्लास का? मैम आए, आदित्य। यस मैम, ओके उत्कर्ष, इन विच क्लास यू स्टडी? मैम सिक्स प्लस। ओके ठीक है, ठीक है। ओके तो अभी तुम लोग को समझ आया इंटरनेट कैसे होता है, सॉरी अभी डिबेट कैसे होता है। यस मैम, यस मैम, ओके बेसिकली इसमें ये होता है कि आपको अपनी बात ऊपर रखनी होती है, एंड ऐसा नहीं होता कि आपको लड़ना होता है। देखो हम लोग लड़ नहीं रहे थे, वी वर जस्ट कीपिंग अ आवर पॉइंट ऑन टॉप। हम लोग अपनी बात ऊपर रख रहे थे विदाउट हार्मिंग ईच अदर, विदाउट सेइंग एनीथिंग रबिश टू ईच अदर। हमें एक दूसरे को रबिश भी नहीं बोलना है कि कुछ भी हम उल्टा सीधा बोल दे, ए तुम कैसे कर रहे हो, ये क्या है, व्हाट इज दिस। नो, वी हैव टू बी पोलाइट, एंड बट हमें अपनी बात ऊपर भी रखनी है। ओके एंड ओके एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप डिबेट कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द पॉइंट। मतलब अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, अगर आप कोई भी डिबेट हैंडल कर रहे हो, और इफ यू आर स्पीकिंग अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, तो आपको हमेशा से उस टॉपिक के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी, और दिस क्या बोलते हो उसको, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपकी थिंकिंग स्किल, मतलब आप अगर जैसे मान लो कोई टॉपिक बोल रहे हो, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि उसके बारे में क्या, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा पता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी थिंकिंग स्किल पे जोर पड़ता है, आपकी आपकी थिंकिंग स्किल बढ़ती है, उसका आपका सोचने का काम बढ़ता है कि नहीं अब इसके बाद मुझे क्या पॉइंट बोलना है, अब इसके बाद मुझे क्या पॉइंट बोलना है, इससे क्या होता है, और थिंकिंग स्किल बढ़ती है जो कि आपकी डेली लाइफ में भी एसेंशियल है, जरूरी है। फिर उससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी, एंड इसी को करने करने से आपकी क्वेश्चनिंग स्किल भी बढ़ती है, सो दैट अगर जैसे अगर आप डिबेट कर रहे हो तो आप अपने पार्टनर से क्वेश्चन भी कर सकते हो, और अलग अलग तरह की चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हो अपने आप। मैम, सो द पर्सन हु डिबेट विद ईच अदर, सो दे आर प्लान्ड विद ईच अदर, मींस दे डू प्लानिंग वंस एंड देन डू, हाँ या दे डू प्रैक्टिस, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एक बारी व्हाट आर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें सब चीज प्रॉपर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मान लो ये नहीं होता होता है कि देखो सबसे पहले इंटरनेट का क्या यूज है कि आप उससे रिसोर्स ढूंढ सकते हो ना, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिसोर्स से सबसे पहले तुम शॉपिंग कर सकते हो। डजंट मेक एनी सेंस कि मैं पहले शॉपिंग का नाम ले रही हूँ। हर चीज एक सिंक्रनाइज ऑर्डर में होनी चाहिए, हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, सो दैट कि हम बोले तो लोगों को इम्प्रेसिव लगे, और वो लोग उसको और सुनने में इंटरेस्ट रखें। ये ना हो कि ओफो ये बोरिंग हो रहा है, नो दिस दिस शुडंट हैपन। उनको इंटरेस्ट आना चाहिए कि नहीं ये बहुत अच्छा चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम, यस यस मैम, ओके। और अब देखो अनसक्सेसफुल क्यों होता है डिबेट, जब उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की लैक होती है, मतलब कमी होती है, सेल्फ वर्थ की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और आप ट्राई करने आप ट्राई करना एक ट्राई करना छोड़ देते हो। जब आप ट्राई करना छोड़ देते हो तो अब आप फेल हो जाते हो। अब लाइक
मुझे कोई चीज नहीं आ रही है तो मैं उस पे और ट्राई करूंगी ना, तभी तो मुझे आएगा। एक अटेम्प्ट में नहीं आएगा, दो अटेम्प्ट में नहीं आएगा, चार अटेम्प्ट में नहीं आएगा, बट अगर मैं उस चीज को बार बार करती रहूंगी तो 10 अटेम्प्ट में तो आएगा ही, 10th अटेम्प्ट में तो आई विल सक्सीड ना। हाँ, यस कि नो? यस यस मैम। हाँ, तो वी शुडंट स्टॉप ट्राइंग, हमें स्टॉप नहीं करना चाहिए अपनी कोशिश को करना। वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड एंड वी शुड ऑलवेज ऑर्गेनाइज अवरसेल्व्स प्रॉपरली। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, एक सेकेंड रुको, आई एम टेलिंग यू मोर अबाउट दिस थिंग। चलो एक बारी मैं तुम लोग को वीडियो शेयर करके दिखा देती हूँ कि हाउ डिबेट हैपेंस। ओके, वेट, डिबेट कॉम्पिटिशन। नाउ सी, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। खुशबू, दक्ष, तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? यस मैम। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ना देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू विन एनी डिबेट सेशन। मैम बट आवाज नहीं आ रही है। क्या मैम? आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, हाँ मैं देख रही हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। देखो टिप्स क्या होती है। मैम नहीं आ रही हूँ। वेट वेट वेट, सुनाई दे रहा है कि नहीं? नहीं मैम। नहीं मैम। तो मैं एक बारी लिंक शेयर कर दूँ क्या? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके। यस मैम। यस मैम। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। प्लीज से दिस, मिला? हाँ मैम। हैव यू? यस मैम मिला। यस मैम। ओके, आदित्य आनंद, यस मैम। आप प्लीज एक बारी फीस का रिमाइंडर दे रही हूँ मैं। यस मैम। ओके, प्लीज उस वीडियो को देख लो एक बारी। Now see, it says that जबी भी हम कोई डिबेट स्टार्ट करें तो स्टार्ट विद अ कोटेशन। कोटेशन पता है ना क्या होती है? No ma'am. नहीं पता? कौन बोला? मैम कैन यू रिपीट? कोटेशन पता है क्या होती है? No ma'am. ओके, कोटेशन नहीं पता आदित्या? No ma'am. अच्छा ओके, कोई भी जैसे कोटेशन कोटेशन होती है किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले उसके अकॉर्डिंग हम कोटेशन ढूंढते हैं। जैसे कि सपोज मुझे इंटरनेट से, ओके हाँ, मुझे इंटरनेट के बारे में बोलना है, ठीक है? तो मैंने, समझ लो मैं एक बारी सर्च करके बता रही हूँ।
इंटरनेट रिलेटेड कोटेशन, ठीक है, कोट्स तो मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे. लाइक जैसे एक कोटेशन होता है, वी आर ऑल नाउ कनेक्टेड बाय द इंटरनेट लाइक न्यूरॉन्स इन अ जायंट ब्रेन. देखो हम लोग क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड है एक न्यूरॉन्स की तरह, जो कि किससे, जायंट ब्रेन, बड़े दिमाग से कनेक्टेड है. या गेटिंग ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेट इज लाइक टेकिंग अ ड्रिंक फ्रॉम अ फायर हाइड्रेंट. द इंटरनेट इज बिकमिंग द टाउन स्क्वायर फॉर द ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो. नाउ सी, इंटरनेट क्या बनता जा रहा है, टाउन स्क्वायर बनता जा रहा है कल के दिस ग्लोबल विलेज ऑफ टुमारो, ग्लोबल विलेज का टाउन बनते जा रहा है. नाउ दीज आर सम दिस बेसिक व्हाट डू वी से, कोटेशंस. कोटेशन हमने स्टार्ट किया, फिर कोटेशन हमने डाल दिया, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जो हमें बोलना है. ठीक है, आप कोटेशन समझ आ गया? यस मैम. बहुत सारे कोटेशन इंटरनेट पे मिल जाते हैं, इफ यू कैन फाइंड एनी. चलो मेरे साथ ही डालो, तुम लोग कोटेशन डालो, सब लोग डालो, करो मेरे साथ, करो, डालो कोटेशन ऑन इंटरनेट. मैम आप स्पेलिंग बता सकते हैं बस? QUOTATION. ओके मैम. QUOTATION. मैम कोटेशन के आगे क्या था? हाँ मैम पूरा सेंटेंस बताइए. कोटेशन ऑन इंटरनेट, QUOTATION, कोटेशन ऑन इंटरनेट. मिला? यस मैम. क्या मिला, क्या मैम ये कह रहा है कि द इंटरनेट इज नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज इट्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ न्यूमरस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स दैट ऑल स्पीक द सेम डिजिटल लैंग्वेज. हाँ, तो जेम्स क्लर्क. ये भी एक कोटेशन है. तुम्हें मिला रो तुझा? मैम क्या करने का दोबारा से बता दी. क्या कोटेशन ऑन इंटरनेट लिखना है उत्कर्ष? मैं तुम्हें स्पेल कर दे रही हूँ, QUOTATION. एक बार वो देख लो, चैट देख लो तो समझ आ जाएगा. ओके माय वॉइस इज स्पीक. मैम कैन आई स्पीक? हाँ हाँ. द इंटरनेट इज सो बिग, सो पावरफुल एंड पॉइंटलेस दैट फॉर सम पीपल इट इज अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूट फॉर लाइफ. हाँ, कोटेशंस ऑन इंटरनेट, ये एक कोटेशन हो गया. ठीक है, अगर तुम फॉर में बोल रहे हो तो तुम्हें फॉर के हिसाब से बोलना रहेगा, मतलब इंटरनेट के लिए बोलना रहेगा. अगर तुम उसके अगेंस्ट बोल रहे हो तो अगेंस्ट के लिए भी है कोटेशन अगेंस्ट इंटरनेट. कोटेशंस अगेंस्ट इंटरनेट भी है, लाइक बता रही हूँ. हाँ, इस पे है लाइक वेयर देयर इज सो मच रेशल देयर मस्ट बी, नहीं ये नहीं है, वेट. द इंटरनेट हैज ह्यूज एडवांटेजेस बट इट्स डाउन साइड इज द इजी एक्सेस टू रिसोर्स. या ये भी कर सकते हो, ऑल ट्रैवल हैज इट्स एडवांटेजेस ऑफ द पर्सन. नहीं ओके, वी आर नाउ कनेक्टेड, ये भी ठीक है. हाँ, अब ये हो सकता है, देयर वॉज अ टाइम एंड पीपल फेल्ट द इंटरनेट वॉज अनदर वर्ल्ड. जब ये एक टाइम था पहले जब लोगों को लगता था कि इंटरनेट एक अलग ही दुनिया है, बट नाउ पीपल रियलाइज इट्स अ टूल दैट वी यूज इन दिस वर्ल्ड. लेकिन ये एक टूल है जो कि हम लोग इस दुनिया में यूज कर रहे हैं. तो देयर आर मैनी दिस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे तुम लोग को कोटेशन मिल जाएगी. उत्कर्ष तुम्हें कोई मिली क्या? मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो, जिसको जिसको मिल रही है बोलो.
मैम डोंट बिलीव इन एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट जस्ट बिकॉज देर इज अ पिक्चर विद विद अ क्वोट्स नेक्स्ट टू इट. हाँ सही है. और उत्कर्ष तुम्हें मिली क्या?